गोंदिया स्थानीय तहसील कार्यालय में 22 अगस्त दोपहर 3 बजे इंद्र कुमार मेघवाल दलित छात्रों को मुख्याध्यापक द्वारा जातीय द्वेष कारण हत्या का मामला में समिति के सभी पदाधिकारी प्रामुखता से उपस्थित थे। मेघवाल की हत्या के विरोध में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया तथा SDPO परिणीता पाटिल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया। को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इंदर मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इन किसानों को न्याय मिलना चाहिए। इंदर मेघवाल के वो जो छोटा सा छात्र था क्लास 3 में और वो मटके का पानी पीने गया तो मुख्याध्यापक ने उसको इतना मारा कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो इसीलिए हम सारे समाज को ये आह्वान करना चाहते हैं कि जब तक हम साथ में एक नहीं आएंगे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमको न्याय नहीं मिल सकता। वैसे भी ये जातीयवादी सरकार ने SC कम्युनिटी पर या जो भी कम्युनिटी है उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम अभी SDM कार्यालय में जाकर निवेदन दे रहे हैं। इसीलिए इंदर मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 75वां सुवर्ण महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं सिर्फ पानी की वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि इस देश से अभी भी छुआछूत खत्म नहीं हुई है। और मैं तमाम सभी बहुजन साथियों से ये निवेदन करती हूँ कि जब तक आप ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ोगे और बाबा साहब ने जो क्रांति लाई है जिसकी वजह से हम बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उद्दिष्ट हुए हैं और इसकी वजह से बौद्धों के ऊपर उतने अत्याचार नहीं होते हैं, और जब तक ये देश में अलग अलग जाति के लोग जो 6000 जातियों में बटे हुए लोग हिंदू रहेंगे, तब तक इन पर ये अत्याचार होते रहेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या BJP की सरकार हो। मैं पूरे देश से ऐलान करती हूँ कि आप सब जाति के नाम पर इकट्ठा ना आते हुए इस देश में जो जातिवाद चल रहा है उसके अगेंस्ट में एकता होकर एकजुट से सामाजिक परिवर्तन का काम करें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ही धम्म को अपनाना होगा और वो है बौद्ध धर्म। जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं होगे तब तक ऐसे इंद्र हर गली में, हर गांव में, हर शहर में मारे जाएंगे। इतना बोल के मैं मेरे दो शब्द समा। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।